कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में टिप्पणी की है कि अगर ऐसे ही कन्वर्जन होता रहा तो एक दिन अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे, किस तरह से ये आरएसएस का शाखा में झूठ फैलाया जाता है पूरी देश में। 50-100 साल में ये 100 साल से ये झूठ चला रहे हैं। सारे शाखों में यही होती है कि मीन्स देश का अल्पसंख्यक बहुमत में आ जाएगा। 100 साल में कुछ नहीं हुआ, 20% का अल्पसंख्यक है 100 साल से अल्पसंख्यक 20% में। ये सारे शाखों का बात है, झूठ का बात है, नफरत का बात है। ये नफरत का बाजार में ये सारे चीज़ चलता है, उसी का कुछ लोगों ने आगे काम पहुँचना नहीं चाहिए था। एक एक संगठन, एक एक इंस्टीट्यूशन वो कैप्चर हो चुकी है, इसका एक एग्जांपल है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की लग रहा है कि कई मामले बीजेपी भी उठाती रही कि धन कन्वर्जन कई इलाकों में हो रहा है, केरल, उत्तर प्रदेश, कई घटनाएं झारखंड में भी, आदिवासी इलाकों में भी, उन सबको लेकर बीजेपी का पता है, बीजेपी का हार हो रहा है अग्निपथ का रूप में। लोगों का लोग गुस्सा में है, किसान इनका ऊपर तरस गए हैं, किसान का लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए अभी ये लोगों का नफरत का राजनीति करना है, ये नफरत करने का राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन कोर्ट को ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था, क्या मानते हैं आप, कितना जाएंगे कोर्ट में कोई भी जज बनता है वो सोसाइटी से बनता है। ये सोसाइटी में आरएसएस का शाखों ने झूठ फैला कर रखा है, इसी आरएसएस का शाखों का झूठ है ये कोर्ट तक पहुँच गया। मणिकम टैगोर हैं, कांग्रेस सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि सब झूठ फैलाया जा रहा है कि धन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ये सब वो कह रहे हैं। एक प्रॉपर्टी एकदम प्रकाश रहे हैं।